हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, से हमारा छत्तीसगढ़ के जलवायु से हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट डल चुका है, अगर देखे नहीं होंगे तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जाके इसको देख सकते हैं। हमारा दूसरा पार्ट है छत्तीसगढ़ के जलवायु से, जो आपके PSC व्यापम छत्तीसगढ़ जितना भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम कराएंगे सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन कराते हैं सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा दूसरा पार्ट है छत्तीसगढ़ की जलवायु के क्वेश्चन है। तो एक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का। तो माइकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र नहीं है, तो आपका कवर्धा, राजनांदगांव, रायगढ़, जगदलपुर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जगदलपुर। तो यह माइकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र नहीं है, तो आंशिक क्षेत्र में आता है आपका कवर्धा, राजनांदगांव, रायगढ़। यह माइकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है A, B और C। बाकी आपका जगदलपुर जो कि यह आंशिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो बस्तर, जशपुर और आपका सरगुजा, रायगढ़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जशपुर। तो छत्तीसगढ़ का जो आपका जशपुर है, जशपुर जिला, यह सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है आपका जशपुर। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिस्थिति तथा कृषि उत्पादन की दृष्टि से राज्य को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। तो जलवायु परिस्थिति तथा कृषि उत्पादन की दृष्टि से राज्य को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। आपके जलवायु परिस्थिति और कृषि उत्पादन की दृष्टि से इसको 4 भागों में, इसको 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन होता है, तो 5 जून, 7 जून, 10 जून या 15 जून। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 जून। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो मानसून का आगमन आपके 10 जून से स्टार्ट हो जाता है हर साल। तो जो आपका मानसून 10 जून से स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस जलवायु कारक को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है, तो शुष्क हवाओं को, या शीतकालीन वर्षा को, या सी है शीत लहरों को, या डी है ग्रीष्मकालीन वर्षा को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, शीत लहरों को। तो आपके जो शीत लहरों को यहाँ पे जलवायु को, जो कि जलवायु कारक को यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है, शीत लहरों को। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। यह आपका जलवायु कारक है जो कि छत्तीसगढ़ ही हमारे छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में से सूरी कह देते हैं, शीत लहरों को। तो इसी तरह इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ में मार्च से प्रारंभ होकर किस माह के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह तक रहती है, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जून का महीना। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन। तो ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ में मार्च से प्रारंभ होकर आपके जून से मंथ तक यहाँ पे दूसरे तथा तीसरे सप्ताह तक यहाँ रहती है। तो जून महीने तक रहते हैं ग्रीष्म ऋतु, याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु का आगमन नवंबर में होता है, इस माह के मध्य किस माह तक रहता है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फरवरी। तो छत्तीसगढ़ में जिस शीत ऋतु का आगमन नवंबर से स्टार्ट होकर या आपके फरवरी माह तक इसके मध्य आपके रहता है, नवंबर से फरवरी के मध्य तक। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ राज्य के चेरापूंजी के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अबूझमाड़। तो अबूझमाड़ जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो अबूझमाड़ को, इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से इसको जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन मेन पार्ट कहाँ स्थित है, तो सरगुजा, बलरामपुर, बस्तर, कोरिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरगुजा, याद रखिए। तो मेन पार्ट कहाँ स्थित है, तो आपके सरगुजा जिले में स्थित है आपका मेन पार्ट, जो कि पर्यटन स्थल है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मेन पार्ट आपके सरगुजा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो मारा, रामगढ़, चांपा, अंबिकापुर, जगदलपुर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चांपा, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान कौन सा जगह है, तो आपका चांपा है, जो आपके सबसे गर्म स्थान को माना जाता है। इसके बाद आपका दूसरा में रायगढ़ को कहा जाता है। तो पहला आपको पूछा जाएगा तो आपका चांपा, दूसरा पूछा जाएगा तो रायगढ़, आंसर लीजिए। इसी तरह इसका बी ऑप्शन, वह ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कौन से क्षेत्र में कम वर्षा प्राप्त करते हैं? तो माइकल रेंज, पाट क्षेत्र, बस्तर का पठार या रायगढ़ का क्षेत्र। तो इसका सही आप ऑप्शन हो जाएगा माइकल रेंज। यहाँ आपके छत्तीसगढ़ में जो माइकल रेंज है जो कि इस क्षेत्र में जो सबसे कम वर्षा यहाँ पे प्राप्त होता है, तो इसका इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पीएससी में, तो आपका जो माइकल रेंज है जो कि इस क्षेत्र में कम वर्षा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः कैसी प्रकार की होती है? तो शीत आधारित होती है या शुष्क प्रकार की होती है या आपके मानसून आधारित होती है या आर्द्र प्रकार की जो कि जलवायु होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मानसून आधारित। तीस का सा ऑप्शन याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो जलवायु आपके सामान्यतः कैसी होती है, किस प्रकार की होती है? तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है मानसून आधारित होती है। यहाँ की वर्षा जो जलवायु है यहाँ की मानसून आधारित होती है। तो इसी तरह इसका सा ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मैनपाट, अबूझमाड, लाफागढ़, बदरगढ़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अबूझमाड़। यह छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है अबूझमाड़। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो आपके अबूझमाड़ में होता है। तो इसका ब ऑप्शन अबूझमाड़ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, बैलाडीला की पहाड़ियाँ, देवगढ़ की पहाड़ियाँ या माइकल श्रेणी। तो इसका आ ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा आपके अबूझमाड़ की पहाड़ी में होता है। तो इसका ए ऑप्शन आ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश किस माह में होता है? या छत्तीसगढ़ में जो मानसून होता है किस महीने से स्टार्ट होता है? तो जून, मई, जुलाई और अगस्त। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अ ऑप्शन जून का महीना। याद रखिए, तो छत्तीसगढ़ में जो मानसून का प्रवेश या आगमन कौन से महीने से स्टार्ट होता है? तो जून के महीने से यहाँ स्टार्ट हो जाता है छत्तीसगढ़ में। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए, जून का महीना से स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अबूझमाड़ कौन से ज़िले में स्थित है? तो बीजापुर, नारायणपुर, सरगुजा, बस्तर। तो बीजापुर जो आपका अबूझमाड़ कौन से ज़िले में स्थित है पूछा गया है, तो इसका आपका नारायणपुर ब ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अबूझमाड़ जो क्षेत्र है या जिला अबूझमाड़ जिला कौन से ज़िले में स्थित है? तो आपके नारायणपुर ज़िले में स्थित है अबूझमाड़। तो याद रखिएगा अबूझमाड़ आपके नारायणपुर ज़िले में स्थित है। तो इसका ब ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है? तो स्पेन का है या चीनी है या भारतीय या अरबी भाषा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर इसको एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखिए जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आपके अरबी भाषा से बना हुआ है जलवायु शब्द। याद रखिए जलवायु शब्द आपका जो भाषा है आपके अरबी भाषा से बना हुआ है। तो इसका द ऑप्शन अरबी लैंग्वेज सही आंसर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बस्तर, राजिम, अंबिकापुर, चांपा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंबिकापुर, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर जिला है। तो इसी तरह इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म स्थान, तो आपका चांपा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है किस प्रकार की होती है? तो उष्ण, आर्द्र, उष्ण और आर्द्र या सी है अत्यधिक शुष्क। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की होती है? उष्ण और आर्द्र प्रकार की छत्तीसगढ़ की जलवायु है। इसी तरह इसे सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में औसत जो वर्षा होती है कितना सेंटीमीटर होता है? तो 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर या डी है 165 सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो छत्तीसगढ़ में जो औसत वर्षा होती है लगभग इसका 120 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा जो विशिष्ट छाया क्षेत्र है? तो आपका जो मैकल पर्वत श्रेणी के जो पूर्व भाग है यह छत्तीसगढ़ के आपके जो विशिष्ट छाया के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह हमारे मैकल पर्वत श्रेणी के जो पूर्व भाग है यहाँ आपके विशिष्ट छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है? तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो यहाँ के बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से यहाँ पे जो कि छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा इनके माध्यम से होती है, इन दोनों सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। तो इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ आंसर को, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा इनके माध्यम से होती है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो आपके पश्चिमी गर्तों से, यहाँ पे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः इसके कारण होती है, पश्चिमी गर्तों से, जिसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ अपने अधिकांश जो मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी शाखा से यहाँ पे छत्तीसगढ़ अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है, इसी तरह इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान, तो सही आंसर इसका बी ऑप्शन अबूझमाड़, जो कि अबूझमाड़ में, जो कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहा जाता है अबूझमाड़ को। तो ये थे आपके छत्तीसगढ़ की जलवायु से क्वेश्चन, यहाँ पे सभी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया जो आपसे जलवायु से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर से शायद नहीं बन पाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। तो पहला पार्ट भी देख लीजिएगा, और ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें जलवायु का पूरा सेक्शन ख़त्म हो जाता है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हूँ, जो आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किया गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसी तरह मैं नेक्स्ट पार्ट में अगला चैप्टर लेकर आऊँ जो आपके छत्तीसगढ़ से। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, थैंक यू।